हेलो एवरीवन, मैं निक्की और आपका स्वागत है मेरे चैनल निक्कूज किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मटर डे स्पेशल, बिना बेक किए हुए सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली सॉफ्ट केक की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने लिया है 4 पैकेट हैप्पी हैप्पी चोको चिप्स वाली बिस्किट। अगर आप चाहें तो कोई भी चोको चिप्स वाली बिस्किट ले सकते हैं। और अब इसे एक ग्राइंडिंग जार में छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल महीन पाउडर बनकर तैयार है। अब एक बड़े बोल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे थोड़े थोड़े दूध डालकर एक गाढ़ा बैटर की तरह तैयार कर लेंगे। अब इसमें साइन लाने के लिए 1 चम्मच बटर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारी केक की फ्रॉस्टिंग बनकर तैयार है। अब मैंने लिया है 1/2 कप दूध और इसमें 2 चम्मच चीनी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब केक बनाने के लिए लेंगे 4 ब्रेड की स्लाइस। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अब इसके किनारों को काट देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे काट लिया है। अब ले लेंगे 1 प्लेट, उस पर थोड़े से चॉकलेट वाली फ्रॉस्टिंग लगा देंगे। ऐसा करने से केक हमारी एक की जगह चिपकी हुई रहेगी। अब उस पर 1 ब्रेड की स्लाइस चिपका देंगे। अब इसके ऊपर दूध और चीनी वाली मिक्सर थोड़े थोड़े लगा देंगे। ऐसा करने से हमारी केक बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। अब इसके ऊपर चॉकलेट वाली फ्रॉस्टिंग लगा देंगे। फिर से इसके ऊपर 1 ब्रेड रख देंगे और दूध वाली मिक्सर लगा देंगे और फिर से इस पर चॉकलेट वाली फ्रॉस्टिंग लगा देंगे। इसी तरह से सारे ब्रेड के स्लाइस लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सारे ब्रेड का स्लाइस लगा लिया है। अब इसके चारों तरफ फ्रॉस्टिंग भी लगा लेंगे। तो देखिए मैंने चारों तरफ इसके फ्रॉस्टिंग भी लगा लिया है। अब इसे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे। अब ले लेंगे 1 मिल्की बार चॉकलेट और इसे मेल्ट करने के लिए 1/2 गिलास गर्म पानी ले लेंगे। अब इस पे रख देंगे 1 छोटा बोल और इसमें चॉकलेट डालकर इसे मेल्ट कर लेंगे। अब ले लेंगे 1 छाछ की पैकेट, इसे अच्छे से धोकर सुखा लिया है मैंने। अब इसमें डाल देंगे मेल्ट किया हुआ चॉकलेट। और इसे फोल्ड करके थोड़े से कैंची से इसे कट कर लेंगे। अब 15 मिनट बाद हमारी केक भी सेट हो चुकी है। तब इस पे 2 चॉकलेट के स्टिक लगा देंगे और मेल्ट किया हुआ चॉकलेट से एक हार्ट का शेप बना देंगे। अगर आप चाहें तो अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लव यू मॉम्स लिखा है। अब बचे हुए चॉकलेट से छोटे छोटे किनारों पे डॉट्स बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी मदर्स डे स्पेशल केक बनकर तैयार है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।